हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। सियाचिन बॉर्डर पर देश की सीमा पर रक्षा के दौरान ग्लेशियर टूटने से शहीद हुए भानियावाला निवासी हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान के निवास स्थान पहुंचकर उनके परिवार के साथ अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने शहीद के परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला बनाए रखने की हिम्मत दी। हमारे जगेंद्र सिंह चौहान का गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारी पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीद को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। इस समय में परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा आई है, भगवान जो है इनके सभी परिवार के लोगों को, माता पिता को, उनके पारिवारिक लोगों को, सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।